नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिले के दूरस्थ अंचल पर बीमारी के मौसम में फर्जी चिकित्सक कुकर्मुता की तरह हॉस्पिटल खोलकर गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिला चिकित्सा अधिकारी राजेश अवस्थी ने जिले के 12 फर्जी चिकित्सालय में छापा मारा। यहाँ बिना अनुमति के अस्पताल संचालित हो रहे थे। सभी चिकित्सालय का निरीक्षण कर दुकान सील किया गया। उन्हें चिकित्सालय खुलने का सर्टिफिकेट मांगा गया और नर्सिंग होम का पंजीयन मांगा गया। इसमें से एक तो फार्मासिस्ट निकला जो हॉस्पिटल का संचालन कर रहा था। सभी 12 फर्जी चिकित्सालय पर कार्रवाई की गई और इन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन का समय दिया गया। नोटिस का जवाब दे और वैध डॉक्यूमेंट नहीं मिलने पर इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ जगह से ये जानकारी मिल रही थी कि कुछ नर्सिंग होम जो बिना लाइसेंस के चल रहे थे, तो हमने टीम बनाकर ये प्रयास किया है कि उनको रेगुलराइज करें और जहाँ जो अनियमितताएं हैं उनको हम लोग ठीक करें। और इसलिए हमारे जो नोडल ऑफिसर की टीम गई थी और हम लोगों ने कसडोल ब्लॉक के कुछ जगह में जांच की है और उनको जो वहाँ पर कमियां पाई गई हैं उसको दूर करने एवं जो लोग के पास लाइसेंस पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं थे उनको बंद करने के लिए निर्देशित किया है। और ये कार्रवाई रूटीन कार्रवाई है, हम लोग इसको करते रहेंगे और बाकी ब्लॉक में भी इसी प्रकार हमारा अभी ये अभियान जारी रहेगा। कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार की ये अनियमितता वाले जगह हैं वहाँ को हम बंद कराकर कर सकें और ताकि जो हमारे क्षेत्र के मरीज हैं उनको पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं गुणवत्ता पूर्वक प्राप्त हो सके।